please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Hello, मैं हूँ हरी. ढाई बजते ही वाले हैं और आपके फेवरेट मसालों को कूट कूट कर हमने आज का लजीज लंच बॉक्स तैयार किया है. तो आइए बताते हैं क्या है आज के लंच बॉक्स में. और अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में खास तड़का लगाने आ गए हैं जैकी श्रॉफ. फिल्म में जैकी सलमान के पिता की भूमिका निभाएंगे. आज के लंच बॉक्स में स्टार्टर लेकर आए हैं शाहरुख खान, जिन्होंने सबके सामने ये माना है कि आज वो जो कुछ भी हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सलमान के पापा सलीम खान का है. शाहरुख हमेशा से सलमान और उनके पिता सलीम को अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते हैं. शाहरुख सलमान को हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हैं. शाहरुख अगर सलमान को बेस्ट एंटरटेनर बताते हैं तो सलमान भी शाहरुख को किंग करार देने में हिचकते नहीं. इसमें कोई दो राय नहीं कि सलमान और शाहरुख आज हिंदी फिल्मों के बड़े स्टार हैं और दोनों जिस तरह से एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हैं, उनमें सलमान के पिता सलीम. लंच बॉक्स में अब बात उस डिश की जिसका आपको हर दिन इंतजार रहता है. जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान से जुड़ी खबरों का. वैसे आज सलमान अपने फैंस को खाने पीने के अलावा फिट रहने की टिप्स दे रहे हैं. के सुहाने मौसम में चारों तरफ हरियाली के बीच साइकिल पर सलमान खान. गोवा के मौसम का लुत्फ उठा रहे सलमान रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं. साइकिल पर सवार सलमान खान का वो स्टाइल भी दिखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं. सलमान कभी एक हाथ से साइकिल चलाते देखे तो कभी ऊपर नीचे जाते साइकिल ट्रैक को फॉलो करते. गोवा में सलमान खान की साइकिलिंग के इस वीडियो में उनका नया अलग लुक नजर आया. इस वीडियो में सलमान खान की हल्की सफेद दाढ़ी दिखाई दी. हालांकि जब वो गोवा जाने के लिए एयरपोर्ट पर दिखाई दिए थे उस वक्त भी उनकी सफेद दाढ़ी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके बारे में कहा गया कि सलमान अपने आने वाली फिल्म भारत के लिए इस लुक पर मेहनत कर रहे हैं. शायद ये पहला मौका है जब सलमान अपनी व्हाइट दाढ़ी के साथ दिखे हों. सलमान खान ने जैसे ही इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर करने लगे. सलमान चाहे मुंबई में हो या फिर माल्टा में या फिर पहाड़ों की तंग सड़कों पर, वो अक्सर साइकिल चलाते दिखाई दे ही जाते हैं. सलमान मुंबई के ट्रैफिक में भी जब साइकिल पर निकलते हैं तो लोगों से दुआ सलाम करते और मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं. सलमान के परिवार में वो अकेले नहीं जिन्हें साइकिल चलाने का शौक हो. कई बार उनके भाई सोहेल भी उनका साथ देने के लिए साइकिल पर सवार हो जाते हैं. सलमान खान साइकिल चलाने के साथ ही साइकिल के फायदे भी गिनवाते हैं. फिर ना इसका पेट्रोल का चक्कर ना कोई चक्कर है. सलमान पेट्रोल की बढ़ती कीमत से बचने के लिए साइकिल को अच्छा ऑप्शन बताते हैं और साथ ही अपने बचपन से उस जुनून को भी जिंदा रखने की कोशिश करते हैं जो अक्सर पर्दे पर या फिर असल जिंदगी में दिखाई देता है. बचपन से साइकिल चलाता आया हूं. बचपन से साइकिल चलाता आया हूं. सलमान खान ने हाल ही में ई साइकिलिंग भी लॉन्च की है जिसे वो अपनी फिल्मों के साथ ही सोशल मीडिया पर बढ़ावा देते रहते हैं और लोगों से अपने बचपन के शौक को जिंदा रखने और सेफ रहने की भी हिदायत देते रहते हैं. लंच बॉक्स में अगली डिश काफी मजेदार और हॉट है. करीना कपूर अपनी फैमिली के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं, जहां करीना के साथ सोहा और कुणाल भी मौजूद हैं. फिलहाल करीना की एक तस्वीर को लेकर काफी चर्चा हो रही है जिसमें वो पिंक बिकनी में नजर आ रही है. नीले
समंदर और नेचर का लुत्फ उठाने के लिए करीना कपूर इन दिनों अपने परिवार के साथ मालदीव में है। मस्ती में डूबे सैफ के परिवार की कुछ तस्वीरें करीना की ननद सोहा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में पूरा पटौदी परिवार एक साथ स्विमिंग पूल में दिख रहा है। तस्वीर में सैफ ने अपनी गोद में तैमूर को ले रखा है, जबकि कुणाल की गोद में इनाया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा करीना कपूर की पिंक बिकिनी ने। दरअसल करीना को लंबे समय बाद बिकिनी पहने देखा गया है। बिकिनी में करीना को देख ये कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक बच्चे की माँ है। करीना की बिकिनी वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इससे पहले करीना ने इसी साल जनवरी में वोग इंडिया मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट करवाया था, जिसमें वो बिकिनी में नजर आई थी। करीना का ये अवतार 10 साल बाद सामने आया है। इससे पहले साल 2008 में करीना ने फिल्म टशन में अपने जीरो फिगर्स मालदीव से आई दूसरी तस्वीर में करीना अपने पति सैफ अली खान का हाथ थामे दिखाई दे रही हैं। करीना ने बिकिनी के ऊपर प्रिंटेड जैकेट पहन रखा है। वहीं दूसरी तरफ सैफ नेवी ब्लू शॉर्ट्स और टी शर्ट और सिर पर हैट रखे नजर आए। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सोहा ने लिखा, वॉल ऑफ फेम। सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें करीना कपूर तैमूर को और कुणाल इनाया को कलर करना सिखाते दिख रहे हैं। कुणाल खेमू ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें तैमूर अली खान कुणाल खेमू के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में तैमूर कुणाल खेमू को कॉपी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल तस्वीर में जिस तरह कुणाल लेटे हुए हैं, उसी तरह तैमूर भी लेटने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल ने सैफ अली खान की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें सैफ आराम करते दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में सैफ, करीना के अलावा सोहा और कुणाल भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वैसे भी सैफ अली खान जल्द ही काम में फिर से व्यस्त होने वाले हैं। उनकी अगली फिल्म बाजार है, जबकि सेक्रेट गेम्स के दूसरे पार्ट की शूटिंग भी उन्हें जल्द शुरू करनी है। करीना कपूर के पास अगली फिल्म तख्त है। इस फिल्म में रणवीर सिंह होंगे और इसे करण जौहर बना रहे हैं। ऐसे में काम पर जाने से पहले दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं। लंच बॉक्स की अगली चटपटी और सिजलिंग डिश में विदेश का स्वाद है। हॉलीवुड की ट्रिपल एक्स सीरीज की तीसरी फिल्म में विन डीजल के साथ काम कर चुकी दीपिका पादुकोण एक बार फिर हॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। बंदूक लिए गुस्से में तमतमाती दीपिका पादुकोण। हॉलीवुड को भाग गया दीपिका का ये अंदाज। तभी तो दीपिका को एक बार फिर फिल्म ट्रिपल एक्स के सीक्वल के लिए चुना गया है। इससे पहले दीपिका ने ट्रिपल एक्स जेंडर केज में अपनी एक्टिंग से हॉलीवुड में भी लोगों का ध्यान ये है कि दीपिका ट्रिपल एक्स के अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। इस बात की जानकारी दीपिका ने नहीं बल्कि उनके एक फैन और फिल्म के निर्देशक डीजे कैरुसो ने दी। डीजे कैरुसो से ट्विटर पर पूछकर बताया, और दीपिका के बारे में क्या वो फिल्म का हिस्सा होंगी, जिसके जवाब में फिल्म ट्रिपल एक्स के निर्देशक ने लिखा, हाँ। दीपिका की ट्रिपल एक्स जेंडर केज काफी पसंद की गई थी और दीपिका ने इससे बड़ी उपलब्धि बताया था। और जन्माष्टमी के मौके पर एक कार्यक्रम में पहुंचे वरुण धवन ने कुछ बच्चों के साथ मिलकर जमकर डांस। अगर गर्मा गर्म लंच का मजा जंगल में मिल जाए तो क्या बात। ऐसी ही एक जंगल डेट के लिए निकल पड़े प्रियंका चोपड़ा और उनके मंगेतर निक जोनस। अमेरिका के जंगलों में मस्ती करते निक की एक तस्वीर प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शेयर की। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और दूर तक फैली वादियों के बीच प्रियंका चोपड़ा के मंगेतर निक जोनस करीब ही एक पेड़ पर अपने बैग को लटका कर इत्मीनान से बैठे दिखाई दिए।
और इस पल को सहेजने के लिए प्रियंका चोपड़ा फोटोग्राफर बन गई और उन्होंने निक की इस तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। प्रियंका चोपड़ा के इस खूबसूरत टैलेंट को निक जोनस ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ ही लिखा, मैन एंड द माउंटेन, यानी कि एक आदमी पहाड़ों के साथ। निक जोनस ने इस तस्वीर के साथ कैमरे की इमोजी बनाई और प्रियंका चोपड़ा को टैग किया। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है, जहां प्रियंका चोपड़ा सगाई के बाद निक के साथ छुट्टियां मनाने गई हैं। इससे पहले प्रियंका और निक को मेक्सिको में एक साथ घूमते देखा गया था। कभी निक से अपनी नजदीकियों को छुपाने वाली प्रियंका सगाई के बाद निक के लिए अपने प्यार को अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और इसकी तस्दीक करती है वो तस्वीर जिसे हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर प्रियंका और निक की छुट्टियों की तस्वीरों के साथ ही निक से जुड़ी एक और खबर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा के ससुर की कंपनी पर करीब $10 लाख से ज्यादा का कर्ज है और इस मामले में चल रहे एक केस को वो हार गए हैं। और भारी भरकम लंच के बीच अब वक्त है लाइट एंड हेल्दी सैलेड का। अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में जैकी श्रॉफ की एंट्री हो गई है। फिल्म में जैकी सलमान के पिता की भूमिका निभाएंगे। आतिफ असलम ने हाल ही में लता मंगेशकर के मशहूर गीत चलते चलते का रिमिक्स वर्जन गाया है। अपने गाने का ये नया अंदाज लता मंगेशकर को पसंद नहीं आया। गाने पर प्रतिक्रिया मांगने पर लता ने सवाल किया कि किसकी सहमति से ऐसा किया गया। कृति सैनन के ट्विटर के जरिए फैंस को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने की जानकारी दी, हालांकि कुछ देर बाद उनका अकाउंट ठीक हो गया। टीवी एक्टर निया शर्मा स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाकर वापस लौट आई हैं। निया शर्मा ने अब अपना एडवेंचर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बंजी जंपिंग कर डर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। और लंच बॉक्स में अब एक खट्टी मीठी डिश। इन दिनों नेहा धूपिया अक्सर अपना बेबी बंप लॉन्च करते हुए मीडिया के कैमरों में कैद होती हैं। एक इवेंट में पहुंची नेहा मीडिया के लिए पोज दे रही थी और इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसे वायरल होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। इवेंट के रेड कार्पेट पर जैसे ही नेहा धूपिया पहुंची, कैमरों के क्लिक करने की आवाज तेज हो गई। हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में आई नेहा की तस्वीरें खींचने के लिए मीडिया के लोगों में होड़ मची थी। हर कोई नेहा को पोज देने के लिए कह रहा था। नेहा धूपिया स्किन टाइट लॉन्ग वन पीस ड्रेस में अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट कर रही थी और फोटोग्राफर्स के लिए पोज कर रही थी। जिस वक्त नेहा फोटोग्राफर्स से घिरी थी, कुछ दूरी पर शिल्पा शेट्टी भी खड़ी थी, जिन्हें नेहा ने अपने पास बुलाया। इसके बाद दोनों ने रेड कार्पेट पर एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि नेहा धूपिया हैरान हो गईं। नेहा धूपिया शिल्पा के साथ जब पोज दे रही थी तो उसी वक्त अचानक शिल्पा नेहा के बेबी बंप को सहलाते हुए पोज करने लगी। शिल्पा को अचानक ऐसा करता देख नेहा धूपिया चौंक गई और कुछ हैरान हो गई। जब तक वो कुछ समझ पाती, उनका ये अंदाज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
हालांकि बाद में नेहा खिलखिलाकर हंसी और उन्होंने फिर से शिल्पा को गले लगा लिया। नेहा और शिल्पा का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नेहा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने बच्चे की खुशखबरी दी थी और इसके बाद वो लैक्मे फैशन वीक में अपने पति के साथ राम पर भी दिखाई दी थी। हालांकि इससे पहले शादी के तुरंत बाद जब उनसे प्रेगनेंसी से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लंच बॉक्स में अब आपको बुल्गारिया की कुछ डिशेस टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि बहुत सारा चीज और सूप। अरे भाई, अगर आलिया और रणबीर कपूर बुल्गारिया में शूटिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मसाला तो सोशल मीडिया पर वायरल होगा ही ना। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी को पर्दे पर देखने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोनों की नजदीकियों की चर्चा के बीच फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के दूसरे भाग की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है और इसके लिए रणबीर और आलिया बुल्गारिया पहुंच गए हैं। धर्मा के ऑफिशियल अकाउंट से आलिया भट्ट की एक सुंदर तस्वीर साझा की गई है, जिसमें आलिया एक कुर्सी पर बैठी है और उनके हाथ में उनका फोन है। उनके फोन से आलिया किसी को मैसेज कर रही हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट है। उनकी ये मुस्कान शायद रणबीर या बुल्गारिया की खूबसूरती या फिर दोनों की वजह से है। अभी हाल ही में आलिया ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसके बारे में आलिया ने बताया कि ये तस्वीर आरके यानी रणबीर कपूर ने खींची है। और इस तस्वीर के साथ आलिया ने कैप्शन लिखा, जब एंगल सही हो तो आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। दौरान दोनों ने अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए काम शुरू किया था, तब से ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी। अब बात उस टेस्टी लंच की, जिसका मजा शाहरुख खान की बेटी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ लिया। वोग मैगजीन कवर डेब्यू के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लंदन में पढ़ाई कर रही सुहाना फिलहाल छुट्टियों पर अपने घर मुंबई आई हुई हैं। शनिवार को वो अपनी मम्मी गौरी खान के साथ श्वेता बच्चन नंदा के स्टोर लॉन्च पर पहुंची थी, जहां उनके फैशन सेंस की जमकर चर्चा हुई। इसके बाद उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे के साथ देखा गया। दोनों लंच करने रेस्टोरेंट गए थे। सुहाना और अनन्या दोनों ने व्हाइट आउटफिट पहना था। अनन्या ने लंच टेबल पर मौजूद खाने को दिखाते हुए लोगों से पूछा कि क्या हमने ये सारा खाना खा लिया। मौका चाहे किसी फिल्म की स्क्रीनिंग का हो या कुछ और, दोनों साथ ही नजर आती हैं। इस गर्ल गैंग में एक और स्टार किड है और वो है संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। दूसरे की बेहद अच्छी दोस्त मानी जाती हैं और अक्सर पार्टी और इवेंट में भी साथ नजर आती हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होती रहती हैं। अपने 18वें जन्मदिन के खास मौके पर भी सुहाना ने इन्हीं दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की थी। क्योंकि तीनों की बचपन से दोस्ती है, इसलिए सुहाना जब भी मुंबई में होती हैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताना नहीं भूलती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किचन में एक और नई डिश बनाने की तैयारी हो रही है। करण जौहर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपनी अगली फिल्म में लॉन्च कर सकते हैं। तस्वीरें पिछले साल नवंबर की हैं, जब चीन में हुए कॉन्टेस्ट में मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। मिस वर्ल्ड 2017 इंडिया। तभी थे मानुषी की खूबसूरती और उनकी शोख अदाओं की चर्चा होनी शुरू हो गई थी।
वैसे तो मानुषी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, लेकिन जब से उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है तभी से उनका हिंदी फिल्मों में आना तय माना जा रहा था। अटकलों का दौर तो लंबे समय से जारी था, लेकिन मानुषी को कौन लॉन्च करेगा और वो किसके साथ फिल्म में डेब्यू करेंगी, इस पर कयास लग रहे थे। Doctor actually translates to actor, so I'm kind of doing both. उधर जब से मानुषी के कुछ फोटोशूट प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर की आंखों के सामने से गुजरे, तभी से कहा जाने लगा था कि धर्मा प्रोडक्शन मानुषी को अपनी आने वाली फिल्म में मौका दे सकता है। हालांकि अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन करण जौहर इशारा कर चुके हैं कि मानुषी में उनकी फिल्मों में काम करने की काबिलियत है। हम बहुत प्राउड हैं उसके अचीवमेंट से, और बहुत खूबसूरत लड़की है। और मैं एक्चुअली जिस साल वो जीती थी, तो मैं उस साल मैंने उस शो को होस्ट किया था, तो मैंने खुद पर्सनली देखा था कि मानुषी में बहुत पोटेंशियल है। कहा जा रहा है कि करण जौहर जल्द ही अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दूसरे पार्ट की घोषणा करेंगे, और हो सकता है इस फिल्म में अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ मानुषी छिल्लर भी पर्दे पर एक्टिंग करती दिखाई पड़ जाए। कभी अच्छे दोस्त रहे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने 21 साल बाद एक साथ काम किया है। रिपोर्ट है कि दोनों ने हाल ही में करण जौहर की फिल्म कलंक के लिए एक साथ सीन शूट किए। सलमान खान के भाई अरबाज को उनकी दोस्त जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ अमृता और उनके पति शकील के साथ देखा गया। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान मुंबई में अपने दोस्त के घर के बाहर देखे गए। इब्राहिम की आए दिन सामने आने वाली तस्वीरों को देखने के बाद फैंस लुक के मामले में उन्हें सैफ अली खान के से कंपेयर करते रहते हैं। अमेरिकी रैपर टी पैन को उनके सामान से बंदूक बरामद होने के बाद कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। टी पैन एक शो के सिलसिले में टेक्सास जा रहे थे।